सो गाइस ये एग्जॉस्ट लग गया हुआ है, देख सकते हैं ये टाइट हो गया है दोनों साइड का। इधर से भी लैब सिलेंडर की गाड़ी है ये। अब ये स्पार्क प्लग लगेगा, ये देख सकते हैं, ये भी आपकी साथ है स्पार्क प्लग। तो अभी लगाते हैं इसको, ब्रश नहीं लगा दे ये यार, गियर को बोल रहा हूँ मुश्किल में। और ये इसका ये जो है स्पेशल टूल आता है, ये ऐसे ऐसे ऊपर ये स्पेशल टूल होता है इसका ये। सो गाइस देख लो अभी ये सब इधर नीचे का काम हो गया हुआ, ये हो गया। अब यहाँ का ये चीज़ लगेगा जो यहाँ पर होगा, अब ये चीज़ लगेगा इसमें। लगाने से पहले ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है, ये रबर ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ लगेगा, ओके भाई। इंजेक्टर में लगाएगा बाद में लगा देगा ना। ये देख सकते हैं ये हमारे दूसरे साथी, तभी आप वीडियो में बने रहे, क्या क्या होता है सब दिखाते हैं। इसका ये आप सब उठाता है, ये कितना लंबा, चार पीस इधर आता है चार पीस उधर आता है, ये 8 वोल्ट। हवा का अंतर लगी है, सब लग गया, ये कॉइल लग गया, स्पार्क कॉइल लगा, ये नया वाला हाथी लगा अच्छा कॉइल लगी, कॉइल नया वाला कहाँ जो है नया हाथी कहाँ मेरा यार, मुनम निकाल कर उसमें लगाना पड़ता है, फिर गर्म से जल जाता है।
रास्ता और भाग जाएगा। इसको ड्राइवर चाहिए। सुबह नीचे का टाइट है ये टेक्निक होता है इसे तो ऐसे करो पूरा ये रेड वाटर अब लगाना है। रेड वाटर और पंखा रह गया, उसका बैटरी लगेगा, गाड़ी स्टार्ट। और क्या ना रखी बैटरी रेडी फॉर स्टार्ट। देख अभी चालू हो रहा कांप्रेस है 2012 मॉडल, थोड़ा सा नीचे साइलेंसर का काम बाकी है, इसके लिए साउंड थोड़ा फर्क पड़ रहा है। वो बाकी है।